मजमा रो पिया वे प्यो प्यो आंदे ने मां मां आंदी है कभी मां प्यो नू बेड़ियों ना कड़े आ रे कभी मां प्यो नू दाबा ना मारिया रे हुण वड्डे रे हो गए ने हुण इना किते नहीं जाना हुण तेरे वेड़े रहना है हुण बाबा जी प्यो चिड़का भी खा गए उथों कदम नहीं चुकदा मां चिड़का भी खा गए अपने पुत्र दा वेड़ा नहीं छड़ दी हांदी है जो मर्जी मैनू सुना लो मैं वडेरी हो गई हां मेरे वीर जिंदा कोई नहीं अज तुहाडे मामे आंदे तुहाडी मां नू लै जांदे अज मेरे वीर आंदे मैनू नाल लै जांदे मैं की करां मेरे वीर कोई नहीं अज मेरे भरा कोई नहीं ओए मावां मुख जांदियां जे अपनी बीवी नू आखी कदी मेरी मां नू उच्ची ना बोली कदी मेरे बाप दे सामने उच्ची ना बोली ए वडेरे हो गए नी ए बुढ़े हो गए नी इन्हे जमीना मेरे ना लवाईयां यूयाने इन्हा फैक्ट्रियां मेरे ना लवाईयां यूयाने इन्हे गड्डियां मेरे वास्ते लईयां यूयाने बाबा जी सारी जिंदगी प्यो सैकल ते गुजार छड़दा वे ते बाबा जी पुत्रां नू गड्डियां लै के देंदा वे जे पुत्र आखे अबू जी मोटरसाइकिल लै देने आंदा नहीं पुत्रा मेरे वास्ते सैकल चंगी है मैं सैकल ते गुजारे कर लवां ए बाप दियां कुर्बानियां भुल गए हो ए अद्धी रात नू बाबा जी उठ के तेरे वास्ते रोंदा रहा है तेरे वास्ते डॉक्टरां कोल जांदा रहा है आ बाबा अगर कामयाबी तुसी हासिल करना चाहते हो तो फिर तुहानू अल्लाह दे बूहे ते झुकना पैना फिर तुहानू अल्लाह नाल गल करनी पैनी है फिर तुहानू मस्जिद च जाना पैना है असी बड़ा डरने हैं जी नमाज कोल वुजू करना पैना है फिर जनाब मस्जिद च जाएंगे फिर नमाज पढ़ांगे हालांकि बंदा बाबा जी बड़ा भी परेशान होवे ना बहुत परेशान होवे तो जो ही बंदा नमाज वास्ते वुजू करदा ना अल्लाह अद्धी परेशानी उहदी खत्म कर छड़दा अद्धी टेंशन बंदे दी उदों ही खत्म हो जाती जो वुजू करता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनो हजूर ने फरमाया जो मेरा उम्मती वुजू फरमाएगा वुजू करेगा तो जो हाथ धोवेगा तो वह हाथ के गुनाह अल्लाह झाड़ देगा जदों वह मुँह धोवेगा तो मुँह के गुनाह जड़े ने खत्म कर दिए जाएंगे जो बाजू धोवेगा बाजू वाले गुनाह खत्म कर दिए जाएंगे जो पाँव धोवेगा पाँव के गुनाह खत्म कर दिए जाएंगे ये वुजू एडी बरकत वाली चीज़ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिहड़ा बंदा शैतान को बचना चाहता है शैतान के वार को वुजू की हालत में रहे कि हालत में वुजू करके रहे वुजू एक तुसी बुराई वाल नहीं जाओगे एक तुहाडा ज़हन साफ रहेगा दिमाग साफ रहेगा कि शैतानी वसवसा दिमाग में नहीं होता बंदा जिन्हें तक वुजू की हालत में रहा है ये वुजू की बरकत है कि वुजू करना ईमान वाले वास्ते यह बहुत अच्छा अमल है बहुत नेक अमल है और फिर यह जरूरी नहीं कि नमाज वास्ते किया जाए बंदे नू वैसे भी जड़ा ना वुजू करके सोना चाहिए और जो उठे उदों भी उन्हें वुजू करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए एक काम से बैठा हो कारोबार करता हो फिर भी वुजू की हालत में करे वुजू करके बरकत उस काम में पवेगी जो काम करेगा जो नीयत करेगा वह सवाब फिर मस्जिद च जाएगा मस्जिद अल्लाह का घर है बाबा जी बंदे नू किसे को लोड़ होवे ना पैसों की तो बंदा उन्होंने फोन करे यार मैनू 10,000 रुपया 15,000 रुपया चाहिए तो वह की कहना यार सुबह मेरे घर आ जाए कहना ना मेरे कितने आ जाए घर आ जाए तू आखे चौधरी साहब नहीं नहीं मैनू इतें ही दे दियो वो आखेगा तू चंगा मंगण वाला वे नाले तैनू पैसे भी चाहिए ने नाले तेरे अंदर आकड़ भी पाई जाती भी नहीं मैनू इतें ही दे दियो उन्हें कहा घर आवेगा तो मिलने ने बाबा जी किसी को लोड़ हो गए ना लोग किसी के बूहे पर जाते हैं कि नहीं जाते फोन से लोग आते हैं गल होर होती है सामने बह के गल जी सामने किसी ने गल करनी है बाबा जी वो असर ज्यादा होंगे जी मेरी गल याद रखियो फोन से गल का उन्ना असर नहीं जिन्ना तुम किसी के सामने बह गल करोगे कोई भी गल करनी होशिश करो जी संजीदा हो बंदे के सामने बह के की जाए वो बड़ा फायदा होंगे एक थोड़ा रोह भी होएगा एक थोड़ी गल में असर भी होगा हूँ एक मैं बयान पे करना थोड़े सामने बह के तो एक बयान मैं फोन पर करता वा मोबाइल से या इंटरनेट से या ऑनलाइन करता वा वो किबला ऑनलाइन में असर नहीं जिहड़ा सामने बह के वे उलामा फुका फरमाते हैं ये अंदर बड़ी ताकत है अगर किसी को तुसां कोई चीज़ लैनी है तो घर जाते हो ना कि यार फलानी चीज़ चाहिए वह कहता बह यार चाह पानी नहीं यार तो जो अल्लाह कोई चीज़ मंगनी होवे उहदे वी घर जाना पैंदा है
बाबा उदे घर जाना पैंदा ना, मस्जिद उदा घर है, उदा घर है, खाना काबा उदा घर है, जिथे भी लोड़ पवे उदे घर टुर जाओ। नबी पाक ने सहाबा इकराम ने ऐसी तालीम दी, फरमाया तुहानू नमक दी भी लोड़ होवे तो भी अल्लाह कोल मंगया करो। किदे कोलो? नमक दी भी लोड़ होवे तो भी अल्लाह कोल मंगो। असी बंदियां कोल मंगने यार ए बंदा मेरा काम करेगा, यार फलां बंदा मेरा काम करेगा। जदों नमाज छड़ दी, जदों अल्लाह के सामने झुकना छड़ दिता, फिर अल्लाह ने बंदे नूं दर दर ते झुकाया, फरमाया इत्थे झुक, इत्थे झुकदा रहेगा तेरा काम भी नहीं होना। यार नमाजी बन जाओ, अल्लाह के सामने झुकने वाले बन जाओ। जिन्नियां कोशिश करो, जिन्नियां हो सकदियां उन्नियां पढ़ो। ए नहीं भी मैं पंजे ही शुरू करांगा ते पंजे ही पढ़ांगा, नहीं, आस्ता आस्ता शुरू कर, एक पढ़, दो पढ़, तीन पढ़, जो मस्जिद जाएगा आदत बन जाएगी, अल्लाह के घर नाल लगाओ हो जाएगा। जेडे बंद मस्जिद नाल लगाओ हो ना, अल्लाह उन्हों का कोई काम नहीं जे रहन देंदा, अल्लाह उन्हों का हर काम करता है। जिन्हां नाल मस्जिद नाल मुहब्बत हो, अल्लाह के घर नाल मुहब्बत हो, अल्लाह ताला सानू सारियां नू मस्जिद जाण दी तौफीक अता फरमाए, नमाज पढ़ के उहदे कोल मंगण दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह कुरान पाक दे अंदर ऐलान फरमा रहे ने, रब्बाना गफिरली वाली वालिदैया, बंदा नमाज पढ़ के दुआ करे ना, उहदे विच असर होवेगा। वालदैन वास्ते दुआ करेगा, या अल्लाह मेरे बाप नू माफ कर, या अल्लाह मेरी माँ नू माफ कर। मैं जोहर तो बाद एक होर प्रोग्राम रंगपुरे, जिहड़ा मेरा टाइम सी, मैं इंशाल्लाह उस टाइम के मुताबिक ही गुफ्तगू नू वाइंड अप कर लवांगा। तुसी बड़ी मुहब्बत ना तशरीफ फरमाओ, मते को गल दिल ते असर कर जाए, ते अल्लाह इन्हां दे वाले साहब की बख्शी फरमाए, अल्लाह साढ़े भी वालदैन की बख्शी फरमाए। बाबा जी रूमी कश्मीर मियाँ मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह दर्द दा बादशाह है, बहुत अल्लाह तर्जमा पेश कीता, रूमी कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह ने आपने कलम उठाई तो तुसा तवज्जो करनी है, ते जे दिल में सुकून पहुंचे तो फिर सुभान अल्लाह आखनी है। गल नूं समझणा कि पाप की चीज है, अल वालिदु औसत अबवाबुल जन्ना, बाप जन्नत दा दरमियानी दरवाजा है। जे मां दे पैरां थले जन्नत है, ते बाप जन्नत दा, बोलो बाप जन्नत दा दरमियानी दरवाजा है। इसे वास्ते मियां मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह रूमी कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह ने कलम उठाई, मियां सा फरमाने ने सदा ना बागी हे भुले भुले बोले कोटली बहरा माले गले अंदरों सुन जाया जे, अल्लाह दी कसम बाप बाप ही हुंदा जे, कदी बाप नू चिड़क ना मारे आ रे, कदी बाप नू गाली ना दे आ रे, कदी बाप नू बाबा जी दाबा ना मारे आ रे, वे सदा ना बागी वे भुले भुले बोले सदा ना बाग आए हाय बहारा हे सदा ना मापे से आले कोठियों सदा ना मापे हे हुसैन जवानी सुनियो जी बाबा जी हे सदा ना मापे अज भी हुन गालियां देना है अज भी हुन चिड़का मारना है अज बाप नू दाबे मारना है किने तेरे वेड़े सदा नहीं रहना एदा जनाजा उठ जाना है किने कब्रस्तान डेरा ला लेना है हजरा जुमले समाज कर जाया रे अल्लाह दा कुरान ऐलान फरमा रहा है उफ़ वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा फरमाया पियो दे सामने उफ़ ना करया जे सुनियो सियाल को डालियो अल्लाह दी कसम पियो दी शान बड़ी जे अल्लाह दी कसम बाप दी शान बड़ी है ऐ भाई नु रे सा जुमले जाया ना कर जाया रे अल्लाह ने कुरान दे अंदर बाप दी शान बयान कीतिया रे अल्लाह ने कुरान दे अंदर पियो दी शान बयान कीतिया रे फरमाया बाप बाप ही होंदा जे अज तो भी पुत्र बाप वास्ते साले सवा वास्ते इन्होंने खत्म का इंतजाम किया है इन्होंने लंगर पकाया है इन्होंने यारां नू बुलाया है इन्हें आखिया रिश्तेदारों दुआ करो अल्लाह साढ़े वाले की बख्शी फरमा छे इन्होंने प्यो ने अहमदी नहीं सारी जिंदगी पुत्रां वास्ते कमाया है सारी जिंदगी अपनी औलाद वास्ते कमाया है ए सदा ना बागी बुल बुल बोले सदा ना बाग बहारा फिर सदा ना मापे हुसन जवानी
सदा न सोहे बतियारा बाबा जी पियो पियो यो देने जे नहीं द्वार है बराम दी मोड़ चले जाया रे बाबा जी इथे पियो ऐसे आने रे जिन्ना दियां उमरां किन्नियां हो गईयां ने समझ आवे जुमले सुन जाया रे जिन्ना दियां उमरां वडेरियां हो गईयां होणियां ने अल्लाह दी कसम मजदूरी वाले अड्डे ते खलोते आने रे अज भी मजदूरी करदे आने रे अज भी बाबा जी 1200 दिहाड़ी पिछे अज भी फैक्ट्री दे बूहे अगे खलोते आने ने इहदियां दाड़ियां छिपियां हो गईयां औलाद पिछे इहदी कमर झुक गई औलाद पिछे इहदियां हड्डियां कमजोर हो गईयां औलाद पिछे अज पुत्र पियोवां नूं दाबे मार दियो अज पियोवां नूं छिड़का मार दियो अज पियो दे गिरे बाण तूं फड़ लैंदा वे आंदा अब्बा दुकानां मेरियां ने अब्बा करो बाहर मेरा वे अब्बा जमीना मेरिया ने मैं ख्या रोन वाले अल्लाह तेरे प्यो दी बख्शी फरमा छे अल्लाह की कसमे जुमले जाया ना कर जाया रे मैं बड़े बड़े शेजवान रोंदे वेखे ने मैं बड़े बड़े पहलवान रोंदे वेखे रे मैं बड़े बड़े मौलवी रोंदे वेखे रे आंदे ने सुल्तानी साहब तेरी तकरीर सुन के रोने हो अज प्यो वेड़े कोई नहीं चाचे भी मुख मोड़ गए ने अज बाप जिंदा कोई नहीं रिश्तेदार भी तलक तोड़ गए ने अज साडे वेड़े आउंदा कोई नहीं हाजी यतीम नूं पुछदा कोई नहीं हाजी यतीम नूं जफा क्यों नहीं मारदा हे प्यो आवे भावें बीमार होवे भावें लाचार होवे रब्बे काबा दी कसम ए फिर भी औलाद नूं बाबा जी सीने ला लैंदा होए फिर भी औलाद वास्ते रोंदा रे ए मंजी ते बीमार होवे फिर भी औलाद वास्ते रोंदा ए थले पाप आंदा रब्बा सुनिया मेरी औलाद दी खैर होवे सियाल कोटियो बड़ा सोना सुन गए हो अल्लाह बाबा तेरे आंसू कबूल करे अज जुमले जाया न कर जाया रे अल्लाह दा नबी है जनाबे यकूब अले सलाम अल्लाह ने पुत्र बड़े दिते रे भाई नोरे साहब एक ऐसा पुत्र है जिनू अल्लाह दा नबी सीने ला लैंदा आए हाय जिनू अल्लाह दा नबी प्यार करदा रे बाबा जी जिनू अल्लाह दा नबी मोहब्बत करदा है उस पुत्र दा नाम जनाबे यूसुफ अले सलाम अल्लाह दे नबी ने यूसुफ नूं जफा मारना अपने पुत्र दा मथा चुमना अपने पुत्र नाल व्यवहार करना आ बाबा जुमले सुन जाया रे दूसरे भरावां ने वेख लिया वे मेरा बाबा सा यूसुफ अले सलाम नाल बड़ा प्यार करदा है अल्लाह दे नबी नूं यूसुफ नाल वखरा ही प्यार है पुत्र ते सारे प्यो दे आउंदे ने पर बाबा जी कई ऐसे आउंदे ने जिन्हां दे दिल विच प्यो वसदा हुंदा है जिहड़े प्यो दियां तस्वीरां वेख के रोंदे ने जिहड़े अग्गे दियां जुत्तियां चुम चुम रोंदे ने जिहड़े बाप दे अथरू चुम चुम रोंदे ने रब्बे काबा दी कसमे बाबा जुमले जाया न करिया है कदी बीवी दी अख ते लग के प्यो नूं नाराज ना कर बैठी कदी बीवी दी अख लग के प्यो नूं दाबा ना मारिया है कदी प्यो दियां अखां विच आंसू ना आउण दिया है ऐ बाप रुस जाए रब रुस जांदा जे बाप रुस जाए मदीने वाला रुस जाए बाप रुस जाए दुनिया रुस जाती जे इंशाला मरने न बाप किसे दे ओए पुत्रा अल्लाह तनु सबर देवे अज तेरा वेड़ा मजूद है अज बाबा मदीन विच कोई नहीं अज तेरे अब्बे दे यार आए ने अज तेरे अब्बे दे रिश्तेदार आए ने अल्लाह दी कसम तेरे प्यो विच मजूद कोई नहीं तुसी रोंदे हो तुसी तड़पदे हो साडियां भैणां वी रोंदियां होणियां आंदियां आणियां ने मैं नरीज वीरा ए बाबर लै आओ सानू सीने लाण आला तुर गया है साडियां जरूरतां पूरियां करन आला मर गया है साडे वेड़े आउण आला तुर गया जे इंशाला मरने न बाप किस जी बाबा जी बाबा इंशाला मरने ए पुत्र क्यों प्यार रोंदा है यतीमां नूं पता होंदा है हुण सानू किसे नी जफा मारना हुण सानू किसे नी प्यार करना इंशाला मरने न बाप
किसे दे है रोन वाले ओ शाला मरण ना बाप किसे दे ते ना होन निमानिया आए हाय ते ना होन निमानिया किया है जिस दीदा है लोको बाप ना कोई है रोन वाले ओ जिस दीदा है लोको बाप ना कोई तो सची दुनिया तो लैना जो बाबा जी यूसुफ अलैहि सलाम दे परा अपने बाबे दे सामने आए ने कोटली बहरा माली ओ अल्लाह तुड़ा रोना कबूल करे दर्द दिल नाल सुन जाया रे बाबा जी सीने नाल सुन जाया रे वीर आखन लगे बाबा असा यूसुफ नु नाल लेके जाना है असा यूसुफ नु शिकार ते लेके जाना अल्लाह दा कुरान ऐलान फरमा रहे आवे अल्लाह दे नबी ने पुत्र नु बुलाया है फरमाया वे यूसुफ पुत्रा जी बाबा फरमाया तेरे वीर आंदे ने असा यूसुफ नु जंगल विच ना लेके जाना है इधर देखियो अल्लाह दे नबी दा बचपन यूसुफ अले सलाम दा बचपन मुबारक है अपने बाबा यकूब दे सामने अज मन ले रे अर्ज कीती बाबा जानी जिवे तुहाडी मर्जी है उंज यूसुफ दी मर्जी है बाबा पुत्र ने कोई आंदे ने जेड़े पियो दी मर्जी ते चल दे ने जेड़े पियो दे कहने ते चल दे जेड़े ना फरमान आउण ओए अब्बे दी गल नहीं मन दे जेड़े अब्बे दे ना फरमान आउण ओए अब्बे दे कोल बैणा गवारा नहीं कर दे ओए बाप मरे दे शरण दा होवे ऐ रोणा लियो पियो मरे ते मैनू अगले दिन मुंडा आंदा आंदा कारी साहब जदों तक हाजी साहब जिंदा रहे उन्हें कदी सानू रोन नहीं दिता उन्हें कदी सानू कर्जे थले आउण नहीं दिता उन्हें कदी शरीकां दे सामने तली नहीं करन दिती उन्हें आखिया वे पुत्रो प्यो दे होंदिया परेशान ना होया आज वे पुत्रो तुहाडे नाल प्यो दी जिंदगी वसदी है ते शहज़ादी ओ तुहाडे नाल मेरी रौनक वसदी है अज बीवी एक पासे कर लई आ अज प्यो नू एक पासे कर लिया आई अज बीवी एक पासे कर लई आ अज मां नू एक पासे कर लिया आई ए बाप मरहे ते सुनियो जी सुने इधर मेरे वल देखो जी बाप मरहे ते शरण दा होवे आता वीर मर तन आए हाय खाली सुनियो सुनियो हे बाप मरहे ते ओ पुत्र बहरा मालियो बाप मरहे ते शरण दा होवे आए हाय वीर मर खंडे खाली हे मामा बहाजे हे नरेज पुत्रा मामा बहाजे मोह मद बख्शा कौन करे रखे सुनियो जी हे मामा बाजे हे मामा बाजे यूसुफ अलैहि सलाम दी मां जिंदा कोई नहीं अपने पियो दे सामने अल्लाह दे नबी ने हाथ बन्ने होए ने अर्ज कीती बाबा जे तुसी जान ते राजी हो फिर यूसुफ भी जान ते राजी है सुनो गल मुंडियो ओ पियोवां नू दावे मारन वाले सुन मेरी गल अल्लाह दे नबी ने इंज हाथ जोड़े नहीं जे अदब सिखना होई फिर यूसुफ अलैहि सलाम दी कहानी
कहानी पढ़ के वेख जे अदब सिखला है फिर इस्माइल अले सलाम की कहानी पढ़ के वेख प्यो ने गोटा जमीन ते रख लिया है पुत्र दियां अखां ते पतियां बन लिया ने बाबा जी प्यो ने छुरी पुत्र दे खलक ते रख ली है एक बारी अल्लाह दे नबी नहीं आखिया बाबा की करन लगे हो बाबा जिबा करन लगे हो अल्लाह दे नबी छुरी चला रहे ने इस्माइल मुस्कुराई जा रहे ने अज तकदीर सामने आके खलो गई है सुनो अज तकदीर सामने आके खलोती है अज मलकुल मौत सामने आके खलोता है तकदीर आंदी है इस्माइल है पुत्र रोंदे ने तू हसना है तू मुस्कुराना है तेरे पियो ने खंजर तेरी गर्दन ते रख छड़िया है तू हजे भी हसना है फरमाया नी तकदीर है मैं हसना पावा मैनू जिबा करन वाला कोई यार नहीं मेरा अब्बा लगदा है मेरा बाप लगता है मेरा पियो लगता है मुसलमानों समझ आ गई अगर पियो पुत्र दे खलक दे छुरी रख छे फिर रोई दा नहीं फिर गुस्से नहीं करी दे अज तक किसे पियो ने पुत्र दे छलक दे छुरी नहीं रखी तेनू ते पियो दियां गल्लां भुखियां लगदियां ने तेनू पियो दे ताबे औखे लगदे ने तेनू पियो दियां गालां औखियां लगदियां ने आंदा मेरा अब्बा मेनू गालियां करदा है मेरा अब्बा मेनू ताबे मारदा है और मैं ख्याल लाण दिया ओए पियो दे सामने ना बोली ओए बाप ही बाप ही होंदे ने ओए पियो पियो ही होंदे ने इस्माइल नबी अलैहि सलाम बाबा जी छुरी रख छड़ी है बाप ने पुत्र दे गले ते छुरी रखी भई ऐसी मिसाल मैनू दुनिया की विखावो के पुत्र लेती आए होवे के पियो ते छुरी रख छड़े के पुत्र आखे अलहम्दुलिल्लाह आए हाय अलहम्दुलिल्लाह अज ते पुत्र पियो नू बर्दाश्त नहीं कर दे अज ते पुत्र पियो नू करूं धक्के मार दे आंदे ने अब्बा दफाए हो जा अब्बा मेरे वेड़ियो निकल जा अब्बा मेरी हवेलियो निकल जा ना ना रोण आलियो हे नबी अल्लाह दस गए ने जब पियो जड़ी गल करे सबर कर लिया रे फिर अल्लाह ने फरमाया जबरील आया जा रबे जलीला डरावे फरमाया जबरील मंजर वे मखा मना दा मकामे एक पुत्र थले लेट गया है बाप ने बाबा जी छुरी रख छड़ी है फरमाया जबरील किदा सोना मंजर है रब्बा सोनिया मैं जुरत नु सलाम करना वा इस्माइल दी जुरत नु भी सलाम है इब्राहिम दी जुरत नु भी सलाम है अल्लाह दे ना अल्लाह ने फरमाया जबरील तुम्बा ले जा इस्माइल नु चुक के ते कर दे इब्राहिम की छुरी थले तुम्बा लगा दे ते पूरी दुनिया नु पैगाम दे दे असा पुत्र जिबा नहीं करवाने असा वेखना सी भाई इब्राहिम इस्माइल नाल प्यार करदा है यहां रब नाल यारी पक्की लाई होई है तवज्जो फरमाया से जी गल वड्डी बड़ी वे पुत्र ने कोई शिकवा तो नहीं सी कीता अब्बे नाल बोलो ना बाबा जी गल तो जी असर हो जाए एक बारी पुत्र ने आख्या अब्बा जी खा वे के तुसी मैनू जिबा पे कर दियो की पे कर दियो खा वे के अज बाप अपने पुत्र नूं आखे ना पुत्र फलानी जगह ते मैं सौदा कर आया आंदा अब्बा तू कि कोई पुछ के करके आया पैसे मेरे ने सौदा तू करे आंदे जे पुत्र बाबा मैं हजारां तुहानूं सियालकोट दीआं सड़कां ते विखाना बाप रुल गए जे अज प्यो कोल बहण वास्ते टाइम कोई नहीं पुत्र वास्ते ओए तेरे नाल की मशवरा करे वह तेरा नौकर है वह तेरा गुलाम है बाप है बाप सरदार हुंदा है बाप बोलो जिहड़ा मनदा अब्बे नूं सरदार वो बोले जिन्हें अब्बे नूं झिड़का मारिया उन्हों कदी नहीं बाप नूं सरदार मानदे आंदे ने बुढ़ी सरदार हुंदी है नहीं बाबा बाप सरदार है बाप जिहड़ा फैसला करे तुसीं गर्दन झुका के मनो अन तस्लीम करो अबू जी ठीक है ये नहीं भी बुढ़ी दे सामने अब्बे नूं समझाउण लग पिया अब्बा तेरा अकल नहीं काम करदी अब्बा तू इंज क्यों कीता
वो बाप जूंदे मुक जांदे जे जिहड़े नूहां दे सामने जिन्हां नूं झिड़कां वज जाण ना पुत्तर मार छड़न ते जिन्हों ने चुक के खड़ाया होवे जिन्हों ने सीने ते बिठाया होवे जिन्हों बाबा जी ने कंधियां ते बिठा के ते कोटली बहराम दियां सड़कां फिरदा होवे ओह मेरा पुत्तर जे ते उहनां सड़कां ते बाप रुल जाए वह पुत्तर लाणती नहीं उन्हें पुत्रां दा की करना जे उस औलाद दा की करना जे रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम है जिस औलाद नूं बाप दी कदर ना होवे जिस औलाद नूं प्यो दी कदर ना होवे साडा अब्बा ओ यार पीरां दे पैर चुमदे हो कदी अब्बे दा भी मत्था चुम लिया करो अब्बा पीरां दा भी पीर जे अब्बा पीरां दा भी पीर है 70 वली एक पासे होण प्यो कल्ला एक पासे होवे सुनो बाबा जी बाप एक बारी दुआ करे अल्लाह उस वेले कबूल कर लैंदा है अल्लाह उस वेले कबूल करदा है अल्लाह यह नहीं फरमांदा कि नहीं पीर दुआ करेगा तो मैं कबूल फरमावांगा अल्लाह फरमांदा इन्हां दी कदर कर इन्हां दी कदर कर रब्बाना गफिरली वली वाली बोलो वली वाली दैया रब्बाना गफिरली वली वाली दैया जिन्हें प्यो नूं सताया उन्हें सुख बोलो उन्हें सुख ऐसे वास्ते मैं सियालकोट दी सड़कां ते गलियां ते ऐलान कर चला मेरे जुमले अपने सीने ते लिख के लै जायो जिथों जिथों आए हो मेरा पैगाम सीने दी तख्ती ते लिख लै जाया रे मैं अज सुल्तानी इस पुत्र दे वेड़े बह के गल सुना चला वा ते सारी दुनिया नूं पैगाम दे चला वा जिन्ने मां नूं रुलाया दिल प्यो दा दुखाया अंदरों सुनी फिर पता लगे तकरीर ना समझिए नूं जिन्ने मां नूं रुलाया दिल प्यो दा दुखाया इन्हां दोवां नूं सताया इत्थे सुनो मुंडिया इन्हां दोवां नूं सताया उन्हें अरश हिलाया फाड़ी खोल के कुरान कहंदा रब रहमान फाड़ी खोल के कुरान कहंदा रब रहमान फरमान वखरा शान सब दी है यारो आपो अपनी ते मापिया दा सज्जा हाथ बुलंद करके दवाई दे ते मापिया दा शान वखरा वखरा मापिया दा शान वखरा वखरा मापिया दा शान वखरा अगला शेर सुनियो बाबे तुहाडी नजर करना पिया जिन्हां दे अथरू आ गए ने जिन्हां तैनू चलना ते बोलना सिखाया है जिन्ना तेनू चलना ते बोलना सिखाया है तो जो जी जिन्ना तेनू चलना ते बोलना सिखाया है फुला वांग जिन्ना तेनू गोद खिलाया है जिन्ना तेनू चलना ते बोलना सिखाया है फुला वांग जिन्ना तेनू गोद खिलाया है धुप्पां विच ठंडीए छां बन जांदे ने मक्के ते मदीने वाली थां बन जांदे ने जिन्ने मां नूं रुलाया दिल प्यो दा दुखाया तेरा मजमा रो पिया वे प्यो प्यो आउंदे ने मां मां आउंदी है कदी मां प्यो नूं बेड़ियों ना कढ़िया रे कदी मां प्यो नूं दाबा ना मारिया रे हुण वड्डे रे हो गए ने हुण इन्हां किते नहीं जाना हुण तेरे वेड़े रहना है हुण बाबा जी प्यो चिड़कां भी खा के उत्थों कदम नहीं चुकदा मां चिड़कां भी खा के अपने पुत्तर दा वेड़ा नहीं छड़दी आंदी है जो मर्जी मैनू सुना लो मैं वडेरी हो गई मेरे वीर जिंदा कोई नहीं अज तुहाडे मामे आंदे तुहाडी मां नूं लै जांदे अज मेरे वीर आंदे मैनू नाल लै जांदे मैं की करां मेरे वीर कोई नहीं अज मेरे भरा कोई नहीं हे मावां मुक जांदियां जे अपनी बीवी नूं आखी कदी मेरी मां नूं उच्ची ना बोली कदी मेरे बाप दे सामने उच्ची ना बोली हे वडेरे हो गए नी हे बुढ़े हो गए नी इन्हें जमीना मेरे ना लवाइया यू यारे इन्हें फैक्ट्रिया मेरे ना लवाइया यू यारे इन्हें गड्डिया मेरे वास्ते लिया यू यारे बाबा जी सारी जिंदगी प्यो सैकल ते गुजार छड़दा वे ते बाबा जी पुत्रां नूं गड्डिया लैके देंदा वे जे पुत्र आखे अबू जी मोटरसाइकिल लै देने आंदा नहीं पुत्रा मेरे वास्ते सैकल चंगी है मैं सैकल ते गुजारे कर लवां हे बाप दियां कुर्बानियां भुल गए हो हे अद्धी रात नूं बाबा जी उठ के तेरे वास्ते रोंदा रहा है तेरे वास्ते दफना खुल जांदा रहा है आ बाबा मैं गल मुकान लगा चंद मिनट रह गए तकरीर मुकन लगी है अल्लाह दे नबी यूसुफ अलै
सलाम अपने बाबे दे सीने लग गए। अर्ज कीती बाबा तुसी राजी हो, फरमाया यूसुफ पुत्रा मैं राजी हाँ, जिवें ओनू मंजूर है उंज मैनू मंजूर है। पुत्र ने आखिया बाबा जिवें ओनू मंजूर है उंज मेरे अबे नू मंजूर है, जिवें मेरे वालद नू मंजूर है उंज पुत्र नू मंजूर है। बाबा जुमले सुन जाया रे, लीरा ने यूसुफ अलैहि सलाम नू जफे मार ले। कदी वड्डा चुमदा पिया है, कदी छोटा चुमदा पिया है, कदी दरमियान आला पिया प्यार करदा वे। अल्लाह दे नबी ने वेखिया, फरमाया पुत्रो यूसुफ नाल बड़ा प्यार ते करदे हो। आंदे अबू जी सानू भी बड़ा सोहना लगदा है, सानू भी बड़ा प्यारा लगदा है। इत्थे बाबा जी जुमले सुन जाया रे, जदों अल्लाह दे नबी ने चंद कदम पुटे ने, पिछों एक बच्ची की आवाज फरमाया वीरा मुड़ के आ जा, आए हाय वीरा मुड़ के आ जा, हे वीर यूसुफ आ जा, वे कोटरी बहरा वाले आ। अल्लाह दे नबी ने मुड़ के पीछे वेखे आए, बाबा जी छोटी जी उमर है, एक नन्नी जी बची खड़ी गए, छड़ी रो रो के आंदी है वीर यूसुफ आ जा, अपनी भैन को दूर तुर चलाए, हे वीरा जांदी वारी भैन जफा मार जाओ, हे वीरा जांदी वारी भैन नाल प्यार कर जा। है रोण वाले जुमले सुन जा यार, अल्लाह दे नबी वीरा को दौड़ के भैन नू जफा मार ले आए। अज यूसुफ अलैहि सलाम दियां अखां नमी हो गईयां ने, अज भैन वी रो पई है, सामने खलोता बाप वी रो पिया है। ऐ शाला मरने ना बाप किसे दे, तिन होण नी माणियां तियां, शाला मरने ना बाप किसे दे, तिन होण नी माणियां तियां, जिस दीदा है लख बाप ना कोई। मैं तियां रुल दियां वेखियां ने, मैं तियां मामियां दे बूवे ते रुल दियां वेखियां ने, है मैं तियां चाचियां दी चोखड़ ते रुल दियां वेखियां ने। बाबा जी यतीम भतीजियां दा रिश्ता कोई नहीं लैंदा, है यतीम बनेवियां दा रिश्ता कोई नहीं लैंदा। आंदे ने यतीम इहदे जहेज दा समान नहीं आउणा, इहदे कपड़े ते जवेर जेवरात नहीं आउणे। मैं आखिया दुनिया दिओ लाणतियो, दुनिया दिओ लालचियो, यतीमां नाल प्यार करिए सोना मुहम्मद राजी आउंदा रे, यतीमां नूं सीने लाइए मेरा नबी राजी आउंदा रे, यतीमां दे सिर ते हथ रखिए कमली वाला राजी आउंदा रे। अज की होया जे पियो उहनां दा जिंदा कोई नहीं, अज की होया जे सीने लाउण वाला जिंदा कोई नहीं, अज की होया जे उहनां दे सिर तों पियो दा साया उठ गया है। इंशाला कोई यतीम ना होवे, रोण वाली हो जिन्हों पियो की कदर है और रोंदा है, जिन्हों अबे की याद आती है और रोंदा जे, जिन्हों पियो नाल प्यार होवे पियो की कब्र ते जाके रोंदा है। इंशाला कोई यतीम ना होवे, बाप जिना दे मर जांदे ते अपने वेख के बूहे बंद कर लेंदे। बाबा जी अपने वेख के बूहे बंद कर देंदे ते बाप जिना दे मर जांदे। इंशाला कोई, इंशाला कोई, अल्लाह दे नबी ने भैन नू जफा मार लिया है, भैणा ते भरा पे रोंदे ने। यकूब अले सलाम दियां अखां नमी हो गईयां ने, बाबा मैं कल मुकान लगा जुमले जाया ना कर जाया रे। अल्लाह दे नबी नू भरावां ने मुंडिया ते चुक लिया है, मुंडिया ते चुक के जंगल विच लै गए ने। जदों दूर दराज पहुंच गए ने, बाबा जी एक वीर ने चुक के यूसुफ अले सलाम नू जमीन ते मारिया है, दूसरे वीर ने आके यूसुफ दा गिरे बाण फड़ लिया है। हुण नजरां बदल गईयां ने, हुण सोच बदल गई है। बाबा जी सुने सुने, अरे वीर वीर नू पे मार दे रे, अज वीर वीर दे गिरे
बाण तू पे फड़ दे हजे वीर नु वीर चिड़का पे मार दे यूसुफ अले सलाम कदी दौड़ के वड्डे भरा वाले जांदे कदी दौड़ के छोटे वाले आंदे आंदे ने वीरो ना मारो वीरो ना मारो हे पियो दे सामने ते चुमदे रे हो हे अबू दे सामने ते कंदियां ते बठांदे रे हो हे वीरो मैं तेरा की नुकसान कीता है क्यों मेरे ते जुलम पे कर दे हो क्यों मेरे नाल ज़ियातियां पे कर दे हो इत्थे मियां साहब दी कलम उठी है मियां मोहम्मद बख्श बोले हे वीर वीर हां दे दर कल अंदरू सोना तो रोन आता इंज नहीं आता वीर वीरां लोगो वीर लड़ाई ना कर रे वीर मरण जो न मकाया रे है वीर वीर दे लोगो वीर वीर दे दर पूरी दुनिया देख रही वीडियो जा रही पूरी दुनिया तक मैं जिम्मेदारी नाल पूरी दुनिया नूं बयाना वा हे वीर वीरां दे सज्जन आउंदे ने हे वीर वीरां दे यार आउंदे ने हे वीर वीरां दे मान आउंदे ने एक वीर फस जाए दूसरा दौड़दा आउंदा है दूसरा पिछे नसदा आउंदा है जिथे यार छड जांदे ने जिथे रिश्तेदार छड जांदे ने सियाल कोटियो उथे वीर आके खलो जांदा है उथे पराया के खलो जांदा जे हे वीर वीर हांदे हे दरे दी होंदे हे वीर वीरों दिया पामां हे बाप सिरांद हे बाप सिरांद हे बाप सिरांद हे ताज मोहम्मद हे मामा ठंडिया छावा गल मुक गई बाबा जुमले समाद फरमाया जे दो चार मिनट रह गए सोना तुसा सुनिया तोड़ियां अखां नम हो गई थोड़ा दिल नम होया एक आंसू होंदे ने जिहड़ी अखां दे दरू निकलदे ने एक आंसू होंदे ने जिहड़े दिल चों निकलदे ने बाबा माँ प्यो तो अल्लाह की कसम एडी अनमोल चीज है अज जो टुट जाते हैं तो फिर कदर आँदी अज प्यो होंदा ना तो अज मैं चाचे वेख लेने अज मैं मामे वेख लेने अज काश अब्बा तो होंदा तो बाबा जी जिन्हें गरीबी में दिन गुजार के तो पुत्रां नूं दो दो तीन तीन बिल्डिंग कोठी बना छड़ी आप ही गरीबी में गुजारी है सारी जिंदगी गरीबी में गुजार छड़ी तो जो माँ प्यो के वेखन का टाइम आता ना फिर वह बाबा कब्रस्तान डेरे ला लेंगे जदों उन्हां दा वेखण दा गड्डियां वेखियां पुत्र बना लईयां कोठियां पुत्रां बना लईयां जमीन लै लईयां मैं अगले दिन बाबा जी गुजर खान रावलपिंडी रोड ते उत्थे उन्हां दे वालिद साहब दा खत्म सी उन्हें बड़ी वड्डी गल कीती मैं अपने दिल ते लिख लई बाबा मैं कोशिश करना कि मैं लोगों तक अच्छी चीज़ पहुँचानी चाहिए लोग अमल करें इस चीज़ से यार बीवियां बीवियां होंदियां ने माँ प्यो होंदा है अपनी अपनी जगह ते हर चीज़ नूं रखना जो झूठा तो सच्चा करन दी वारी आवे तो फिर माँ प्यो नूं नहीं झूठा सच्चा करीदा फिर बीवी नूं समझा लईदा मैं नहीं माँ दे सामने बोल सकदा मैं नहीं अब्बे नूं कह सकदा तेरी मेहरबानी तू सबर कर तू मेरी बीवी मेरी इज्जत नूं वेख मैं लोगों के सामने माँ प्यो की इज्जत नहीं बमाल कर सकता इन्हें बड़ी मेहनत ने मैनू पाले इन्हें जवान किया बड़िया पैसे लगे नहीं बड़िया मेहनत लगियां नहीं बड़िया रातां लगियां बाबा तीन गड्डियां उन्होंने गराज में खड़िया सन तो रोए पिया बाबा जी बंदा बड़ा अमीर कबीर मैं कहा जनाब तुसी क्यों रोंदे पे हो कहिंदा करी साहब मैनू वो दिन याद ने कि जो मैं स्कूल जाना सा ना स्कूल तो असी बड़े गरीब होने सा बाप दी बाबा जी पहला जमाना तुहानू पता किस तरह हुंदे हर सहूलत है हर बंदे कोल पहला जमाना वेखो अपने प्यों दा दादियां दा किस तरह सी उदों औलाद पालनी बड़ी औखी सी बाबा जी जुमले समाध करिया जे एक एक रुपये नूं लोग तरसदे सन ते ओही जुती व्याह ते भी पा के टुर जानी ते ओही जुती ईद वाले दिन भी पा जानी ते ओही जुती रिश्तेदारां कोल भी पा जानी ते इक दूजे दे कपड़े उधार लै के पा के जाने रब्बे काबा दी कसम साडा दादा दसदा बाबा जी कि इह मौल पुत्र हुंदा सी इधर जुमले सुणो बाबा जी गल बड़ी कीमती जे आंदा हुण साडे कोल गड्डियां भी ने मैं उदों स्कूल पढ़ना सा छोटा सा
दो महीने की फीस ना मैं दी मेन मास्टर आखन लगा जे कल फीस ना ना लैके आया तो फिर बोरी बिस्तरा चुकी तो घाट उड़ जाए आंदा कर साहब दवानिया चवानिया सन उन्होंने फीस सी तो मैं आख्या अबू आख्या अबू जी फीस है पिछले महीने की भी नहीं दी तो मास्टर साहब कह रहे हैं फीस जी ना लाजमी देनी तो कहना करी साहब एक रुपया नहीं सी मेरे को मेरे बाप को उस वेले तो मेरे बाप ने नहीं आख्या पुत्र स्कूल छड़ दे तेन काम से पा देना जिन्ना तक प्यो जिंदा होना वो काम से नहीं पाते वो आंदे ने पढ़ लवो जिन्ना पढ़ना होंगे जो पढ़ लो साढ़े सिर से असी नहीं पढ़े वह तुम तो निकमे हो पढ़ लवो जे प्यो थोड़ा मजदूरी करता रहा पुत्र तुम तो किसी आला कुर्सी पर बैठे होवो किसी आला ए हर बाप की खाश होंगी जी कि मेरी औलाद मेरे तो अगे जाए आँदी है कि नहीं आँगी बाबा जी हर हर औला हर बाप कहता मेरी औलाद मेरे तो उत्ते हो जाए कोई नहीं जो कहता भी मेरा भरा मेरे तो उत्ते मेरा रिश्तेदार हो प्यो होंगे जोड़ा चाहता है कि मैं अपने पुत्र अपने तो आला वेखा अंधकारी साहब मेरा बाप मैंने उंगली फड़ी तो दर्जी को लै गया अपने यार को आंदा यार पुत्र की फीस देनी है तो उधारे पैसे दे उन्हें क्या उस टाइम गया उन्हें कहा यार तू क्यों रो पाया तू मैं हमें ही लैके उन्हें अंदर गया उन्हें पैसे दिते कहिंदा तीन चार महीने तक मेरे बाप ने कर्जा नहीं दिता जेडे पैसे ले सन तो कहिंदा मैं बाप ने उधारे चौके तो मैनू पढ़ाया अज मैं बारहवीं चक्कर लाया अज गड्डियां भी ने अज प्यो की कब्र ते जाके रोना ना बाबा हूँ जो वेखन का टाइम से हूँ तू नहीं रहा हूँ जो वेखन का टाइम से हूँ तू कब्रस्तान टुर गए मिट्टियां थले टुर गए हूँ वेखन का टाइम से हूँ अब्बा असी तेन कपड़े चंगे पवाने सन हूँ बाबा तेन गड्डिया च बिठा के लोगों ने दसना सी ए जे साडा बाप जी ने मजदूरी करके आने पुत्रां नूं पढ़ाया जे जिन्हें जवान किया जे ऐसे वास्ते मियां साहब आंदे ने लैओ यार हवाले रब दे सारा मजमा रो पिया मेरी मेहनत कबूल अल्लाह करे लैओ यार हवाले रब दे ते मिले नी चारे बिना दे उस दिन ईद मैं बाबा जी जदों बाबियां नूं रेड़ी ला के वेना मेरा रोण आउंदा है जदों चिट्टियां दाड़ियां आलियां नूं अद्धी रात सड़क ते रुलदा वेना वा फिर मेरे दिल में तकलीफ आउंदी है लैओ यार हवाल रब दे ते मिले नी चारे बिना दे उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फेर मिलांगे अल्लाह मेरा पढ़ना थोड़ा सुनना कबूल फरमाए अपने टाइम ते मैं तकरीर छड़ दिती है जो गल्लां कीतियां दिलों कीतियां जी इहनू तकरीर ना समझियो इहनू दर्द समझियो ते अपने दिल ते इंज इहनू पकीज़ा करके सामभ लियो फिर वेखो अल्लाह किन्ने रंग लाएगा अल्लाह की कसम अल्लाह रंग लाएगा आमीन वमा अलैया।